सो आइए बेटा, हमारा जो नया यूनिट है, नया चैप्टर है, दैट इज रिगार्डिंग अवर बेटे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और समटाइम्स वी आल्सो कॉल इट एज इलेक्ट्रिक करंट बेटे। बच्चों सारे स्टूडेंट्स, मैं वंस अगेन वही बात कहूंगा, फिर से ऑलरेडी मैं कहता रहा हूँ, अपना कॉपी पेन हाथ में रखिए, थोड़ा थोड़ा जरूर इसको लिखते जाइए, नोट करते जाइए। दैट विल बी लॉन्ग इन द लॉन्ग रन दैट विल बी बेनिफिशियल बेटे फॉर अस एज सच। हमारा बेटे नया चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हम बेसिकली बेटा इलेक्ट्रिक करंट और इसके साथ रिलेटेड हमारे जो इफेक्ट्स हैं, इनके इफेक्ट्स के बारे में बेटे बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक करंट हमारा चीज क्या है, हम इलेक्ट्रिक करंट को यूनिट्स की फॉर्म में या अदरवाइज कैसे देख सकते हैं, सोच सकते हैं बेटा। आइए सबसे पहले देखें इलेक्ट्रिक करंट जो है, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बेटे, डियर चिल्ड्रन, बेसिकली हम इसको कैपिटल आई से डिनोट किया करते हैं बेटा। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में डेफिनेशन पढ़ रखा है, डेफिनेशन इज नॉट एट ऑल डिफरेंट बेटा, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट जो है, इट इज बेटा डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटे आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है किस रेट से बेटे फ्लो कर रहा है, इस चीज को बेटे हम बोल देते हैं हमारा इलेक्ट्रिक करंट बेटा। इलेक्ट्रिक करंट को बेटा, इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट आपका जो करंट है या इलेक्ट्रिक करंट है, दिस इज डिफाइंड एज बेटे चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर द चार्ज टू फ्लो। बेटा कितने टाइम में कितना चार्ज आपका फ्लो हो रहा है, दैट वी टर्म एज अवर इलेक्ट्रिक करंट। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी बेटे। और बच्चों SI सिस्टम आप ऑलरेडी जानते हैं, आपने 11th स्टैंडर्ड में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिस्कस कर रखे हैं। SI सिस्टम में आपने 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस कर रखी हैं ऑलरेडी। तो SI सिस्टम में यो आपका यूनिट ऑफ करंट है, दिस इज बेटा एम्पियर, दिस इज एम्पियर। और आप इसको बेटे जो आपका यूनिट ऑफ करंट है इसको कैपिटल ए से डिनोट किया करते हो। और बच्चों अगर मैं 1 एम्पियर करंट की बात करूं, 1 एम्पियर जो है, दिस इज 1 कूलम ऑफ द चार्ज फ्लोइंग इन द टाइम ऑफ 1 सेकेंड। यू कैन जस्ट बेटे राइट इट एज ऑल्सो। और इस 1 एम्पियर के बिना हमारे पास और स्मॉल यूनिट्स भी हैं बेटे इलेक्ट्रिक करंट के, जैसे आप ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हो बेटा, वी मे बी हैविंग 1 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर बच्चों जो होता है आपका, दिस इज आई होप बोर्ड इज विजिबल टू यू ऑल, 1 मिली एम्पियर दिस इज इक्वल टू 10^-3 एम्पियर्स, 1 माइक्रो एम्पियर -6 एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर -9 एम्पियर। आप अकॉर्डिंगली जरूरत के हिसाब से इन यूनिट्स को बेटा मैनेज कर सकते हो। एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात करने वाली है इस सारे के साथ रिलेटेड, आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है इट इज बेटा हैविंग द डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। आइए मैं आपको थोड़ा इस तरफ डायग्राम बनाकर इंडिकेट कर देता हूँ, दैट विल बी मोर क्लियर बेटे। लेट अस इमेजिन हमारे पास एक वायर है, उस वायर में से आपने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा दिया है। आइए देखिए बेटा, ये बच्चों वायर, मैंने थोड़ा इसको मैग्नीफाई करके बनाया है, बड़ा करके बनाया है वायर को।
इस वायर को आपने एक बैटरी के साथ या सेल के साथ बच्चों कनेक्ट किया, लेट इट बी द बैटरी और द सेल विद विच यू आर कनेक्टिंग दिस विद अ वायर एज सच। बच्चों वायर जो है, डेफिनेटली मैं कंडक्टिंग वायर की बात कर रहा हूँ, ये आपका कोई ना कोई अच्छा कंडक्टर ही होगा, मे बी कॉपर, मे बी अल्मीनियम, मे बी आयरन, आप कोई भी अच्छा कंडक्टर यहाँ पे बेटी एडमिट यहाँ पे कर सकती हो, ले सकती हो। आपने ये वाला एंड जो है आपके कंडक्टर का, इसको पॉजिटिव और ये वाले एंड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया, इट विल मीन दैट ये वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है, ये वाला टर्मिनल जो है इट इज एट ए लोअर पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ डायरेक्टेड होता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं, इसको बेटा आप कन्वेंशनल करंट भी बोल सकते हैं, कन्वेंशनल करंट, जरा समझने वाली चीज है। आपका करंट पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हुआ, इस कंडक्टर में से ये पास कर रहा है करंट ऐसे, और नेगेटिव टर्मिनल पर आकर एंड हो गया। अगर मैं इस कंडक्टर के अंदर सोचूं क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या चीज है, कंडक्टर के अंदर आप कोई भी मेटल ले लीजिए, मे बी योर सिल्वर, मे बी योर कॉपर, मे बी योर अल्मीनियम, मे बी योर आयरन, इट हैज गॉट वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट बेटा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें बहुत पड़े हैं, आपने चार्ज कैरियर्स की बात की थी, तो ये जो चार्ज कैरियर्स हैं, दीज आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, और दीज कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इन नट शेल बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, आप इस इलेक्ट्रॉन की बात कर लो जो यहाँ पे पड़ा है, इस इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव टर्मिनल रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल तो नहीं कहना चाहिए, पॉजिटिव वोल्टेज या पोटेंशियल कह देना चाहिए, इट विल अट्रैक्ट दैट बेटा इलेक्ट्रॉन, जस्ट बिकॉज की नेचर अपोजिट है। सो ये आपका इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इस तरफ है और आपके करंट का डायरेक्शन इस तरफ है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज योर कन्वेंशनल करंट बेटा। हमेशा याद रखिए, जो कन्वेंशनल करंट या करंट आप बोल रहे हो, इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाली डायरेक्शन है, या इसकी डायरेक्शन जो है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और द नेगेटिवली चार्ज करंट कैरियर्स बेटा, चार्ज कैरियर्स रादर। और बच्चों फर्दर मोर थोड़ी और बात करें, अगर इस केस में आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर स्केलर क्वांटिटी, व्हाट ए कॉन्ट्राडिक्शन, जस्ट नाउ आई हैव सेड दैट इसकी डायरेक्शन है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ नहीं जी ये तो स्केलर है, ये तो बात बराबर नहीं सही लग रही है। हम एक तरफ कह रहे हैं कि देखिए जी इसकी डायरेक्शन ये है, साथ ही हम लिख देते हैं कि ये स्केलर है, देखो बिल्कुल साथ साथ लिखा हुआ है। इसका पुत्र रीजन है, आप जितने भी करंट्स की बात करते हो, सारे करंट्स को हम बेटे सिंपल एडिशन के थ्रू ऐड या सिंपल सब्ट्रैक्शन के थ्रू सब्ट्रैक्ट कर लिया करते हैं, वी नेवर मेक यूज ऑफ द वेक्टर अलजबरा टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द करंट्स, दैट इज व्हाई इट इज रिगार्डेड एज ए स्केलर क्वांटिटी। मैं रिपीट करूंगा डियर स्टूडेंट्स, आपके जितने भी इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात कर लेना, इलेक्ट्रिक करंट जितनी भी टाइप के आपके हैं, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उनको आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आप उनको सिंपल वे में ऐड या सिंपल वे में सब्ट्रैक्ट करते हो, जैसे नंबर्स को ऐड करते हो। मान लीजिए एक आपके पास 4 एम्पियर करंट है, एक आपके पास -3 एम्पियर है, आप इनको ऐड कर देते हो, इट विल बी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर कैसे आया, क्योंकि ये माइनस का है। और अगर मेरे पास एक करंट मान लीजिए 3 एम्पियर है, दूसरा 2 एम्पियर है, तो मेरे पास जो ऐड करने के बाद करंट आएगा, इट विल बी 5 एम्पियर।
बेटे डियर चिल्ड्रन, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता था कि मैंने यहाँ पर अपना ट्रायंगल लॉ नहीं लगाया, पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगाया या पॉलीगन लॉ नहीं लगाया इनको ऐड करने के लिए जो आपके वेक्टर अलजेब्रा में यूज होते हैं। अब क्योंकि करंट्स आपके डायरेक्टली ऐड हो रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज रिगार्डेड एज ए स्केलर क्वांटिटी। सो आई होप ये आपको स्केलर वाली बात बच्चों क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बेटे मैं थोड़ी सी बात और ऐड करूंगा इसी के साथ। आप अपने इलेक्ट्रिक करंट को कुछ इस तरीके से कह रहे थे कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट आई है दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी के बराबर है, आपने मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखा। बेटा आपने क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, यू रिमेम्बर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आपने वो लिख रखा है ऑलरेडी। तो आप इसको यहाँ पुट भी कर सकते हो, आई विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एन इन टू ई अपॉन टी। किस काम का है हमारी ये रिलेशनशिप? जब आपको ये निकालना पड़े कि आपके इतना करंट फ्लो करने की वजह से कितने चार्ज कैरियर्स या कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, देन इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल। छोटा सा एग्जांपल लेके करके बताऊंगा आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा। इमेजिन कर लीजिए एक करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर, एक 2 मिली एम्पियर का करंट पास कर रहा है फॉर ए टाइम ऑफ से बेटा 1 सेकेंड। आपने किसी कंडक्टर में से 2 मिली एम्पियर का करंट 1 सेकेंड में पास करवा दिया, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे? दिस इज टू बी वर्कड आउट। सो यू विल बी राइटिंग आई इज इक्वल टू एन इन टू ई अपॉन टी। पुत्र आई आपका 2 मिली एम्पियर था, ये मिली के एम्पियर बना लिए, एन आपको पता नहीं है, ई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन ये इतना होता है, टी आपका 1 सेकेंड है। सो एन विल बी इक्वल टू योर ट्वाइस 1 अपॉन 1.6 10^-19 into 10^-3, this is the number of electrons which we will be having with us that will get transferred जब आप 2 मिली एम्पियर करंट को 1 सेकेंड में किसी भी कंडक्टर में से पास करवा देते हो बेटा। तो ये छोटा सा आइडिया था आपके करंट के साथ रिलेटेड बेटा। अब बच्चों और आगे चलूं मैं, अगर करंट की पुत्र टाइप्स की बात करूं, अगर हमारे पास करंट बेटा बेसिकली 2 टाइप्स का करंट है। आप डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट की टर्म्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। आपका जो करंट है बेटा इलेक्ट्रिक करंट है, बेसिकली ये आपके पास बेटे 2 टाइप का है, डायरेक्ट करंट या आप इसको डीसी बोल देते हो बच्चों, और सेकेंडली आपके पास आ जाता है अल्टरनेटिंग करंट और डियर स्टूडेंट्स आप इसको एसी भी बोल देते हो, अल्टरनेटिंग करंट शॉर्ट फॉर्म में एसी लिखा जाता है। अब आइए बेटा 1 by 1 इन दोनों के बारे में भी ब्रीफली बात करें, देन वी विल बी मूविंग अहेड विद अवर डिस्कशन। बेटे डायरेक्ट करंट डीसी, इसका मतलब क्या है, कहाँ मिलता है हमें, किस फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं? आपने सिंपली एक बेटे क्लॉक का सेल देखा होगा, आप क्लॉक में घड़ी में सेल डालते हैं, वो सेल आपको डायरेक्ट करंट देता है। या आप अपने स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, एक्टिवा में एक बैटरी डलवाते हैं और वो जो बैटरी है वो आपको डायरेक्ट करंट देती है। और डियर चिल्ड्रन मैं और एक एग्जांपल दूं, अगर आपके घर में इन्वर्टर लगा होता है, आजकल जरूरत है, नेसेसरी है, सबके पास ही होता है, इन्वर्टर के साथ एक बैटरी लगी होती है, बहुत बड़ी ट्यूबुलर बैटरी उसको आप बोल देते हो, वो बैटरी में आपकी केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है, वो बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके डायरेक्ट करंट इन्वर्टर को देती है। इन्वर्टर उसके ऊपर एक बॉक्स पड़ा होता है ना बेटे, बैटरी के ऊपर भी पड़ा होता है बॉक्स जिसको आप इन्वर्टर बोल देते हो, और उस इन्वर्टर का क्या काम है, वो उसके अंदर ऑसिलेटर्स लगे होते हैं, वो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदल के आपकी घर की सप्लाई
आपको चला देता है जब लाइट नहीं होती। फिर से बच्चों सुनो, तीन एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। एक तो सिंपल सेल है, आपकी क्लॉक में घड़ी में डलने वाला सेल है, वो डायरेक्ट करंट देता है आपको, नो प्रॉब्लम, टॉयज वगैरह में यूज करते हैं हम इसको। सेकेंडली आपके स्कूटर मोटरसाइकिल एक्टिवा कार वगैरह में एक बैटरी डलती है, वो बैटरी आपको डायरेक्ट करंट देती है। दूसरी एग्जांपल हो गई। तीसरी एग्जांपल, आपके घर में इन्वर्टर के साथ एक बहुत बड़ी बैटरी लगी रहती है, उसको आप ट्यूबलर बैटरा बोलते हो, बैटरी बोलते हो, वो देती डायरेक्ट करंट ही है, बट वो जो आपका इन्वर्टर होता है वो उसको डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदल के आपकी घर की सप्लाई चलती रखता है। कब? जब लाइट आपकी पीछे से कट लगा होता है तब बेटा। सो ये दो तीन एग्जांपल्स थी बेटा। अब डायरेक्ट करंट की अगर हम बात करें बेटा, ये फर्दर मैं ये कह सकता हूँ बेटा, पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर लूँ फिर और कोई बात करते हैं। ये आपके पास मान लीजिए टाइम है, इस तरफ आपने करंट लिया, मैं सेल की बात कर रहा हूँ, सिंपल पेंसिल सेल आपके पास ऐसा सेल आता है घड़ी में डालने के लिए, वॉल क्लॉक में डालने के लिए, वो आपको एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का करंट देता रहता है, और ये करंट आपका जो है ये फिक्स्ड डायरेक्ट करंट कहलाता है, नॉन वेरिएंग डायरेक्ट करंट कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बदलता नहीं है, सेम रह रहा है। इमेजिन कर लीजिए एक और सिचुएशन, आपका डायरेक्ट करंट कोई और डिवाइस दे रहा है, वो डिवाइस कभी करंट थोड़ा बढ़ा देता है, कभी कम कर देता है, उस केस में आपका जो करंट होगा बेटा, इट मे बी ऑफ दिस टाइप आल्सो, करंट है, टाइम है, ये लीजिए, ये भी आपका डायरेक्ट करंट है, इट इज स्टेडी डायरेक्ट करंट, इट इज वेरिंग डायरेक्ट करंट, हैं दोनों डायरेक्ट करंट ही। खास बात क्या है, इनका यहाँ पे डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड बदल रहा है लेकिन पोलैरिटी नहीं बदल रही, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल रहा, पोलैरिटी भी नहीं बदलती। सो डायरेक्ट करंट को मैं अब डिफाइन करने जा रहा हूँ बेटे, डायरेक्ट करंट इज डिफाइंड एज द करंट विच पोजेसेस ए फिक्स्ड या कांस्टेंट और वेरिएंग मैग्नीट्यूड बट इट्स पोलैरिटी डज नॉट चेंज। पोलैरिटी डज नॉट चेंज का मतलब ये है कि ये कभी नेगेटिव नहीं होता करंट, आपका जो डायरेक्ट करंट है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दिस इज व्हाट डू वी मीन बाई दैट टर्म, दैट की पोलैरिटी डज नॉट चेंज बेटा। आपका करंट है, ये देखिए ग्राफ के अपवर्ड ही है, दोनों ग्राफ के अपवर्ड ही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपका करंट नेगेटिव नहीं होता कभी भी, इसकी पोलैरिटी नहीं बदलती है। बच्चों अगर पोलैरिटी नहीं बदलती, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो बेटे फ्रीक्वेंसी है डायरेक्ट करंट की, याद रखिएगा, इट इज जीरो, न्यू इज इक्वल टू जीरो, वो 9th standard में आपने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू सिंबल, दिस इज इक्वल टू जीरो फॉर द डायरेक्ट करंट बेटा। डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। मैं और थोड़ी बात करूं, अगर डायरेक्ट करंट बेटा जो होता है ये ज्यादा डेंजरस नहीं होता, हम इसको अपने हाथ से वायर को, डीसी वायर को टच कर सकते हैं, अनलेस और अंटिल ज्यादा वोल्टेज ना हो, इन्वर्टर की बैटरी को नहीं हाथ में पकड़ना कभी भी, वो थोड़ा सा कर देती है। मैं छोटे सेल की बात कर रहा हूँ या आपके एक्टिवा वगैरह की जो बैटरी, छोटी बैटरी जो है 2 cell की बैटरी, उसकी बात कर रहा हूँ, वो हमें ज्यादा कोई भी हार्म नहीं पहुँचाते, शॉकिंग नहीं होता। सेकेंडली आपका जो डायरेक्ट करंट है, इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि इसको प्रोड्यूस करना आसान नहीं है, बिकॉज हमें केमिकल्स की हेल्प के साथ केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है, दैट इज़ ए क्वाइट लॉन्ग प्रोसेस, स्टोर करना पड़ता है, ये कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। और साथ ही साथ बेटे आपका जो डायरेक्ट करंट है, इसकी मैं अगर और बात करूँ बेटा, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी मुश्किल है। आप जानते हैं
कि जो रेजिस्टेंस आर है इट इज इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए। आप अगर कहो नहीं जी मैंने अपने घर में बड़ी एक डीसी करंट की बैटरी रखी हुई है तो मैं आपके नेबरर्स को भी वहां से एक तार लगा के इलेक्ट्रिसिटी दे देता हूं या सप्लाई कर देते हैं, तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज जितना लेंथ बढ़ता जाएगा वायर का उतना ज्यादा वायर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका डायरेक्ट करंट जो है बेटा दैट विल डिके इन मैग्नीट्यूड एज सच, उसको रेजिस्टेंस जो है फेस करना पड़ेगा, ऑफर हो जाएगा और वो ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूट करना। अब बच्चों मैं बात कर लेता हूँ हमारे अल्टरनेटिंग करंट की, एसी की। एसी क्या है, अल्टरनेटिंग करंट क्या है, ये बेटे बेसिक सा कंसेप्ट है वैसे तो लेकिन फिर भी हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना फिर हमारी बात बनेगी नहीं बेटा। आइए देखें अल्टरनेटिंग करंट और एसी क्या है। दिस इज अल्टरनेटिंग करंट बेटा। अल्टरनेटिंग करंट की बेटे बात करें तो मैं सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करूंगा इसके लिए, देन आई विल एक्सप्लेन। अल्टरनेटिंग करंट में आपके पास इस तरीके का अल्टरनेटिंग करंट ग्राफ शो कर देता है बेटा ऐसे। ये टाइम लिया आपने इन एक्सिस पे, इन एक्सिस पे करंट है, ये आपका ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट आपका अल्टरनेटिंग करंट इस तरीके का होता है, ये देखिए दिस वे। आप वेल इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव बदल के बन जाता है, वी से दैट कि इसकी पोलैरिटी बदल रही है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। इसकी जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी चेंजेस बेटा। और दूसरी बात और ध्यान से देखिएगा, जब टाइम इतना है तो मैग्नीट्यूड इतना है, जब टाइम इतना है मैग्नीट्यूड बदल गया। इसका मतलब है विद द पैसेज ऑफ टाइम मैग्नीट्यूड लगातार बदल रहा है, मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, पोलैरिटी चेंजेस पीरियोडिकली। पीरियोडिकली वर्ड का क्या मतलब है, एक फिक्स्ड टाइम के बाद पोलैरिटी बदलती है। यहां आप देखोगे तो दिस इज वन हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, कंप्लीट टाइम पीरियड, एंड 3/2 ऑफ द टाइम पीरियड, ट्वाइस ऑफ द टाइम पीरियड। दिस इज व्हाट डू वी मीन कि आपका एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है, पोलैरिटी बदलती रहती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है इट इज डिफाइंड एज द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली बट द डायरेक्शन इट बेटा चेंजेस पीरियोडिकली। लेट मी राइट द डेफिनेशन नाउ बेटा। सो अल्टरनेटिंग करंट जो है इट इज डिफाइंड एज द करंट विच चेंजेस पोलैरिटी पीरियोडिकली एंड मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली बेटा। मैग्नीट्यूड में इसके लगातार चेंज आ रही है और इसकी पोलैरिटी एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको आप टाइम पीरियड बोल देते हो, उसके बाद बेटे बदल रही है। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन दिस अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट बेटा आपका जो है हमारे इंडिया में इसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों याद रखिएगा 50 हर्ट्ज़ है। इसका मतलब ये हुआ 50 बार ये अपना साइकिल बदलती है, और फर्दर मोर आप कॉरस्पॉन्डिंगली टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। टाइम पीरियड रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है, तो दिस इज 1/50 सेकेंड्स। तो इसका मतलब है इसको बेटे साइकिल बोलते हैं पूरा, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड वन साइकिल। एक साइकिल में 2 बार पोलैरिटी बदल गई तो 50 साइकिल्स में 100 बार डायरेक्शन बदलेगी इसकी,
और आप ये भी बात अपने माइंड में रखिए, कुछ फॉरेन कंट्रीज में वो 50 हर्ट्ज नहीं रखा, उन्होंने 60 हर्ट्ज रखा हुआ है। हमारे इंडिया में जो ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आपके घर में चल रही है, इट इज एट 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्स। आपकी वोल्टेज 220 वोल्ट्स है और फ्रीक्वेंसी आपका बेटे जो है दिस इज 50 हर्ट्स बेटा। सो इन दिस वे हम अपने अल्टरनेटिंग करंट को बेटा डिस्कस कर सकते हैं। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर विद द डिस्कशन बेटा, आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है बेटा, इसकी खास बात क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है अल्टरनेटिंग करंट बेटा? देखिए वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है, अल्टरनेटिंग करंट शॉकिंग नेचर का है। अगर आपका गलती से भी हाथ लग जाए तो वी मे बी गेटिंग सीवियर शॉक, अट्रैक्टिव नेचर का शॉक लगता है और दैट इज बैड टू एक्सपीरियंस, नेवर गुड। सो इलेक्ट्रिसिटी एसी की बात करें अगर, इट इज शॉकिंग इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। एंड सेकेंडली इस एसी के फायदे क्या हैं, एसी जो है आपका इसको प्रोड्यूस करना आसान है और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना और भी आसान है। आप ट्रांसफार्मर्स लगाकर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आपके घर में सप्लाई आती है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस बेटा, आपके एसी से चलने वाली मशीन्स, ध्यान से सुनिएगा, एसी से चलने वाली मशीन्स काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं और ये काफ़ी सारा वर्क करती हैं। लेकिन अगर डीसी ऑपरेटेड मशीन्स की बात करें, वो कुछ खास काम नहीं करती। इमेजिन करिए, छोटा सा टॉय है, उसको आपने डायरेक्ट करंट दिया, उसका मोटर कितना काम कर रहा है? यू वेल नो वेल दैट इज डूइंग वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वर्क। और अदरवाइज अगर आप किसी हैवी इंडस्ट्री की बात करो, आप इस यहाँ पे आपके बिल्कुल पास रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है, इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड है, मशीन्स वहाँ पे बहुत हैवी हैवी हैं। आप लोअर क्लासेस में वहाँ पे गए भी होंगे, आपने देखा है वहाँ पे कितनी हैवी मशीनरी इलेक्ट्रिसिटी के साथ आप ऑपरेट कर रहे हो, एसी के साथ आप ऑपरेट कर रहे हो। सो डियर चिल्ड्रन, एसी ऑपरेटेड मशीन्स जो हैं ये बड़ी पावरफुल होती हैं, ये बड़ा इसका तगड़ा प्लस पॉइंट है। एसी ऑपरेटेड मशीन्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं, डीसी ऑपरेटेड मशीन्स पावरफुल नहीं होती हैं। एसी को प्रोड्यूस करना आसान है, डीसी को प्रोड्यूस करना आसान नहीं है। एसी को स्टोर करना आसान है, डीसी को स्टोर करना आसान नहीं है। एसी को डिस्ट्रीब्यूट करना आसान है, डीसी को डिस्ट्रीब्यूट करना आसान नहीं है। तो ये कुछ इनका कंपैरिजन है। साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं एसी के, एसी शॉकिंग नेचर का है, डीसी आपको शॉक नहीं देता, अगर गलती से भी हाथ लग जाए हमें झटका नहीं लगता, दैट इज द अदर साइड ऑफ द सेम थिंग आल्सो बेटा। तो ये आपका बेटे अल्टरनेटिंग करंट का कुछ डिस्कशन था। और ये जो आप फॉर्म देख रहे हो, वेव फॉर्म देख रहे हो, इट इज कॉल्ड साइन वेव बेटा। आप थोड़ा, आपको और मैं आगे अगर ले चलूं, आप अब देखना अपने घर में इन्वर्टर लगा होगा, इन्वर्टर के ऊपर बेटे एक चीज लिखी होती है साइन वेव या स्क्वेयर वेव, ट्रेंगुलर वेव, कुछ ऐसे लिखा रहता है। साइन वेव का मतलब होता है आपको आपका इन्वर्टर इस तरीके की आउटपुट दे रहा है, ये साइन वेव होती है। और एक होती है आपकी ट्रेंगुलर वेव, वो ऐसी होती है, ये दिस वेव होता, ये भी ऐसी है लेकिन ये इसका नेचर थोड़ा बदल जाता है। एक होता है स्केयर वेव, स्केयर वेव कुछ इस तरीके का होता है, ये आपको ऐसे दे देगा, फिर ऐसे दे देगा और ऐसे दे देगा। इन हम अपना इन्वर्टर में मोस्टली ये यूज़ करते हैं, दे हैव लिमिटेड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, इनका नॉइस वगैरह जो है वो ज़्यादा होता है। सो दिस वाज समथिंग रिगार्डिंग बेटा एसी। अब आइए बात करके देखें, हम जब बेटा फ्री चार्ज कैरियर्स की बात करते हैं कंडक्टर के अंदर, तो उनका बिहेवियर कैसा रहता है, आइए डिस्कस करके देखें चार्ज कैरियर्स इनसाइड ए कंडक्टर कैसे मूव करते हैं। चार्ज कैरियर्स इन ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स कैसे होते हैं, इनका मूवमेंट वगैरह कैसे होता है, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट।
ये अगेन आप वो वायर इमेजिन कर लीजिए, वायर का पीस है, कंडक्टर का पीस है, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई बैटरी अटैच नहीं की, ये आपका सिंपल वायर का पीस है। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में लास्ट वाले चैप्टर में थर्मल एजिटेशन एनर्जीज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा होगा, वहां पे आपने पढ़ा था कि गैसेस जो हैं ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। यहाँ गैस तो नहीं है, सॉलिड है। मैं यहाँ पे ये जरूर कहूँगा कि अगर आप टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रेंडमली मूव करते रहते हैं, कोई इधर चला हुआ है, कोई उस तरफ चला हुआ है, लेकिन इनका कोई खास मूवमेंट का डायरेक्शन नहीं है, बिकॉज नेट मूवमेंट जो है ये नहीं होता, नेट मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो, आप इसमें कोई भी करंट की रीडिंग नोट नहीं करते। ये मेरे हाथ में मेटल का रिंग है, मुझे इसको पकड़ता हूँ जब तो करंट नहीं लगता, इसका मतलब है कि इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन इसमें चार्ज कैरियर्स तो हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं, अब फिर करंट क्यों नहीं लगता? रीजन बीइंग दैट बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं मूव करते, दे आर मूविंग रेंडमली, और जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये इनका मूवमेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है, और साथ ही साथ ऐसा जो वेलोसिटी होता है दिस इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटीज। थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की 10^5 से लेकर 10^6 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की है, मतलब 100,000 मीटर पर सेकंड से लेकर 1,000,000 मीटर पर सेकंड तक आपका इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर भाग रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन खास डायरेक्शन में नहीं, इसीलिए हमें करंट नहीं लगता। सो आगे मैं नहीं चलूंगा बिकॉज आपका नेक्स्ट क्लास होगा, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। कल हम बेटे यहाँ से आगे चलेंगे, जो हमने काम किया है इसको एक बार थोरोली पढ़ना बुक से बेटा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड बेटे, थम्स अप फॉर यू ऑल, थैंक यू ऑल बेटा।